भारत रंग महोत्सव की 25वीं वर्षगांठ पर बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि जैसा कि कहते हैं और ये मानना है कि पत्रकार बंधुओं के बगैर जन जन तक उनकी मदद के बगैर पहुंचा नहीं जा सकता। और आप लोग यहाँ कश्मीर में बहुत बड़ी संख्या में इस वक्त आए हैं, तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की तरफ से मुझे जो लग रहा है वो यहाँ का भारत रंग महोत्सव बहुत ही सक्सेसफुल होने वाला है, क्योंकि आप लोग घर घर तक पहुँचाने में हमारी मदद करेंगे। जैसा कि अभी पंकज त्रिपाठी जी, जो हमारे इस भारत रंग महोत्सव के रंग दूत हैं, उन्होंने एक हल्का सा ब्रीफ आपको दिया था। और यहाँ श्रीनगर में ये भारत रंग महोत्सव 5 नाटकों के साथ कल से शुरू होने वाला है और ये 20 तारीख तक चलेगा। 5 नाटक आप लोग इसमें देख सकेंगे और हमारी आप लोगों से यही उम्मीद है कि इतना प्रचार करें कि लोग यहाँ उमड़ें, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे नाटक इस ये श्रीनगर में लगाए गए हैं, बहुत अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स के नाटक हैं। थोड़ा सा मैं ब्रीफ आप लोगों को कर दूं कि इस बार भारत रंग महोत्सव में हमारे कुल 111 नाटकों के 119 शोज़ हैं जो मंच पर हैं। इसके अलावा हमारे नुक्कड़ नाटक तकरीबन 52 से 55 नुक्कड़ नाटक भी हैं जो अलग अलग शहरों में, दिल्ली में लगातार चल रहे हैं, और एम्बियंस परफॉर्मेंसेस करीब 54-55, तो 150 से ऊपर ये आंकड़ा है। इसीलिए ये विश्व का सबसे बड़ा फेस्टिवल बन चुका है और हम लोगों को बहुत गर्व है यहाँ श्रीनगर में आते हुए। आप लोगों ने जैसा कि देखा होगा, पिछले साल भी श्रीनगर में इस फेस्टिवल को किया गया था। कल्चर डिपार्टमेंट जो है हमारा, कल्चरल एकेडमी जम्मू एंड कश्मीर, उनके सहयोग से यहाँ पर हम बार बार आ रहे हैं और इस बार भी हम यहाँ आए हैं। और इसमें ख़ास बात यह है कि इस बार विदेशी नाटकों को जो शामिल किया गया है, इटली का नाटक आप लोग देखेंगे क्लोजिंग सेरेमनी में यहाँ पर 20 तारीख को। और या पूरे भारत रंग महोत्सव में हमारे पास तकरीबन 853 प्रस्ताव 853 प्रस्ताव आए थे, जिसमें से हमने तकरीबन 61 नाटक सेलेक्ट किए, बाकी कुछ इनवाइटीज हैं, कुछ फोक परफॉर्मेंसेज हैं। इस तरीके से कुल मिलाकर 111 नाट्य दल जो है वो 119 शोज करेंगे। और थोड़ा सा मैं ब्रीफ दे दूं इसमें, 8 विदेशी नाटक जो हैं इस बार भारत रंग महोत्सव में शामिल हो रहे हैं। और जो हमारे पास कम्प्लीटली प्रपोजल आए थे असमीज, 39 एंट्रीज आई थी, बंगाली की 166, भिलोड़ी 1, डोगरी 1, गुजराती 12, हिंदी 303, उसके बाद कन्नड़ 36, कश्मीरी 5, खासी 1, कोंकणी 4, लद्दाखी 1, लोथा 1, मैथिली 5, मलयालम 28, मराठी 49, मणिपुरी 25, नेपाली 12, उड़िया 24, पंजाबी 4, राभा 1, संथाली 1, तमिल 10, तेलुगु 5, तुलू 1, उर्दू 14, और कुछ अन्य भाषाएं थीं जैसे जो बोलियों में होते हैं वो करीब हमारे 24 नाटक थे। आदि 1, इंग्लिश के हमारे 41 नाटक आए थे जिसमें कुछ विदेशी भी थे, रशियन नाटक आया था 1, सिन्हाला श्रीलंका 3, और सिन्हाला से 2, स्पैनिश 1। तो ऐसे कुल मिलाकर के हमारे पास 853 एंट्रीज आई थी, जिसमें से जो हमने दो चरणों में इसका सिलेक्शन प्रोसीजर हुआ था सारे नाटकों का, कम से कम 7 से 8 दिन का एक चरण था जिसमें से इन सारे नाटकों को स्क्रीन किया गया ऑनलाइन, और जिसमें 78 जूरी मेंबर थे और उन्होंने
जो हमको फाइनल नाटक दिए वो 61 नाटक दिए, असमिया 3, बंगाली 16, हिंदी 25, अंग्रेजी 2, मणिपुरी 2, पंजाबी 1, मराठी 2, गुजराती 1, कन्नड़ 3, मलयालम 2, तुलु 1, अन्य भाषा 2, उड़िया 1, और एक रशियन नाटक भी हमारा सिलेक्ट हुआ था लेकिन किसी कारण से वो नहीं आ पाया, तो कल्चरल एक्सचेंज के तहत हम लोगों ने एक दूसरा नाटक वहाँ से बुलाया है। इसके अलावा ये भारत रंग महोत्सव इस बार 15 शहरों में हो रहा है और कहीं 5 दिन का है 5 नाटकों के साथ, कहीं 6 दिन का है 6 नाटकों के साथ। ये जो जगहें हैं, दिल्ली तो हमारी एक जगह हमेशा होती है, मुंबई, पुणे, भुज, जोधपुर, विजयवाड़ा, भुवनेश्वर, डिब्रूगढ़, पटना, रामनगर, श्रीनगर, गैंगटॉक, ये हमारे 12 शहर हैं। और हमारे जो 3 अलग शहर है, वाराणसी हो गया, त्रिपुरा हो गया और बेंगलुरु, यहाँ पर भी हमारे कुछ फेस्टिवल से रिलेटेड एक्टिविटीज़ चलेंगी, नुक्कड़ नाटक, एम्बियंस परफॉर्मेंस वगैरह। तो ये 15 शहरों में इस बार भारत रंग महोत्सव, जो हमारे निर्देशक महोदय हैं उनकी सोच थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में ये हमारा पूरा फेस्टिवल पहुँचे। हमारे अध्यक्ष जी का पूरा सपोर्ट मिला, हमारे रजिस्ट्रार महोदय जो इस समय जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनका पूरा सपोर्ट मिला, उनकी गाइडेंस में, इन तीनों लोगों की गाइडेंस में पूरा भारत रंग महोत्सव पूरे देश में चल रहा है। और जैसा कि एक सेकंड, श्रीनगर में कल से शुरू होने वाला जो नाटक है, कल ओपनिंग सेरेमनी है, जिसमें अग्नि त्रिया एक नाटक जो है वो हम आप लोगों के सामने पेश करने जा रहे हैं। ये संगीता टिपले ने डायरेक्ट किया है, आर्मीन पाथेर उसको हमने इनवाइट किया है। इसके अलावा सिफर एक नाटक है मुंबई की टीम का, फिर एक बंगाली नाटक है फैले आशा मगारेट्स, फिर उसके बाद है हमारा इटली का नाटक द ग्लोबल सिटी। और ये बहुत बेहतरीन नाटक जो हैं ये आप लोगों के सामने पेश किए जा रहे हैं। और हमारे निर्देशक महोदय और जो हमारे अध्यक्ष महोदय हैं परेश रावल जी और चिरंजन त्रिपाठी जी, उन लोगों की तरफ से कोशिश रही कि इस बार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे जोड़ा जाए, जिसके तहत कुछ एक एकेडमिक सेक्शन भी हम लोगों ने इसमें रखा है, जिसके अंतर्गत तकरीबन 9 नाटक, जिसमें 5 हमारे सेंटर कश्मीर सेंटर को भी हम लोगों ने इस बार दिल्ली में बुलाया था और दिल्ली में उनका शो किया, और उसके अलावा हमारे बाकी के 4 सेंटर्स के नाटक जो स्टूडेंट्स के द्वारा तैयार किए गए थे उनकी परफॉर्मेंस, उसके अलावा जो एकेडमी ऑफ थिएटर मुंबई, MPSD मध्य प्रदेश, नाम सुना होगा आप लोगों ने, भारतेंदु नाट्य अकेडमी और चंडीगढ़ इंडियन थिएटर, इनके नाटकों को भी इस बार इसमें शामिल किया गया है। और कमाल की बात यह है, आप लोगों को भी सुनकर इस बात की खुशी होगी कि इस भारत रंग महोत्सव में 23 फीमेल डायरेक्टर भी हैं, जिन्होंने 23 नाटक डायरेक्ट किए हैं और 2 सोलो परफॉर्मेंस भी हैं फीमेल एक्ट्रेस की। तो ये पूरा खाका जो है आप लोगों के सामने मैंने रखा है, वसुधैव कुटुंबकम की थीम को लेकर के हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि हमारे निर्देशक महोदय का भी मानना है। और जैसा कि थिएटर और जो भारत रंग महोत्सव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हर तरह की कला का एक समागम होता है, और इसी के तहत वसुधैव कुटुंबकम इसकी थीम को रखा गया है कि विदेशों के नाटक, हमारे फोक परफॉर्मेंसेस, हमारे मॉडर्न नाटक और एक्सपेरिमेंटल नाटक, ये सबको एक प्लेटफॉर्म दिया गया है जिसका नाम है जैसे आप लोग भी जानते हैं भारत रंग महोत्सव, जो कि 1999 से लगातार चल रहा है। और आज गर्व के साथ हम लोग कह सकते हैं कि ये विश्व का सबसे बड़ा फेस्टिवल है थिएटर का।